बिहार में शराब बेचना और पिलाना दोनों ही गैर कानूनी है। अगर कोई शराब बेचते हुए या फिर शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल भी हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और आपके साथ मैं अमन कुमार। लगातार शराबबंदी को लेकर विपक्ष जो है वो बिहार सरकार पे हमलावर है। ऐसे में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री रामसूरत राय पे एक बड़ा खुलासा करते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मंत्री रामसूरत राय के जो पिता के नाम पे जो स्कूल है उस स्कूल में ही शराब की जो तस्करी है वो हो रही है। लेकिन जिस तरीके से मंत्री वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उन्हें फंसाते हैं और उनका नाम कहते हैं कि उनके संरक्षण में शराब की जो तस्करी है वो हो रही है, शराब बेची जा रही है। ऐसे में आज तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीधे तौर पे मंत्री रामसूरत राय पे हमलावर होते हैं। उसके बाद बिहार विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत होती है। बजट सत्र की शुरुआत होने से पहले ही तमाम जो राजद के विधायक हैं वो हंगामा करते हुए नजर आते हैं और तस्वीरों में आप देख रहे होंगे किस तरीके से तमाम जो राजद के विधायक हैं वो पोर्टिको के बाहर हंगामा कर रहे हैं शराबबंदी को लेकर। और उनका साफ शब्दों में कहना है कि शराबबंदी के नाम पर खेल रचा जा रहा है, खेल हो रहा है। और क्या कुछ कह रहे हैं राजद विधायक भाई वीरेंद्र, आइए पहले सुन लेते हैं। आधिकारिक तौर पे पूरे बिहार में शराबबंदी का नाम लिया जा रहा है, लेकिन पूरे प्रदेश में शराब माफियाओं के संरक्षण में और सरकार के रसूखदार नेताओं के संरक्षण में शराब का बिक्री चल रहा है। कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा कस्बा, मोहल्ला नहीं बचा है जहां शराब की धड़ल्ले से बिक्री नहीं हो रही हो। पहले तो होम डिलीवरी हुआ करता था, अब बेड डिलीवरी हो रहा है। तो ये सरकार केवल लोगों को झांसा देती है, आंख में धूल झोंकती है और इनके जो पदाधिकारी हैं, जो चारों तरफ जो हमारा बॉर्डर है बिहार का, उसको सील नहीं किया और वहां से ट्रक पास करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां पास करता है शराब लिए हुए, और दिखाने के लिए अगर 25 को गाड़ी पास कराता है तो एक गाड़ी पकड़ता है कि हमने पकड़ा। तो ये पटना में 11 करोड़ का शराब कहां से पकड़ाया? मुख्यमंत्री के नाक के नीचे पटना में 11 करोड़ का शराब पकड़ा जाना ये अपने आप में आश्चर्यचकित है। हम लोग आश्चर्यचकित हैं। और ये शराब धड़ल्ले से इनके थानेदार, अधिकांश थानेदार, पुलिस पदाधिकारी और थाना के स्टाफ थाना में बेच रहे हैं शराब। और मैंने सदन में भी इस आरोप को लगाया था, कहा था कि आपके थाना में थाना प्रभारी मुंशी से लेकर दरोगा तक सब लोग शराब बेचने में शामिल है, लेकिन सरकार जात पात करती है पोस्टिंग में। और पोस्टिंग में अगर जात पात करती है इसलिए बिहार में अपराध नहीं रुक पा रहा है। आरसीपी टैक्स लेकर और पोस्टिंग होती है, जात के नाम पर उनकी पोस्टिंग होती है और इसीलिए अपराध पर लगाम नहीं लग पा रहा है। रोज हत्या का दौर चल रहा है, रोज एकदम एक्साइज विभाग, तो एक्साइज विभाग ही नहीं, बिहार सरकार नीतीश कुमार फेल है और वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी कैसे बचे, बिहार के लोग जाएं जहन्नुम में, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हमारी कुर्सी बची रहे और हमारे लोग, उनके जो लोग हैं, जो रसूखदार नेताओं के लोग हैं, वो चाहते हैं शराब का कारोबार चलता रहे, फूलता फलता रहे, ताकि हम करोड़ों अरबों रुपया कमाते रहे। बस यही हमारा काम। तो आपने सुना, सीधे तौर पे भाई वीरेंद्र का कहना है कि जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी के नाम पे जो ढोंग रचा जा रहा है वो बिहार सरकार के संरक्षण में रचा जा रहा है, तमाम जो शराब माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है और अब तो इनके मंत्री भी खुद शराब की जो तस्करी है उसमें संलिप्त है। ऐसे में उनकी जो इस्तीफे की मांग है वो लगातार तेजी से उठ रही है। लगातार सदन में भी जो विपक्ष है वो बिहार सरकार पे हमला भर है और तस्वीरों में आपने देखा भी होगा किस तरीके से पोर्टिको के बाहर तमाम जो राजद के विधायक है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि इस तरीके के प्रदर्शन के बाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के तमाम खुलासों के बाद क्या कुछ नीतीश कुमार का जो निर्णय होगा, किस तरीके से वो कार्रवाई करेंगे अपने मंत्री के ऊपर, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।